अदे पुरुष जैसी मूवी को बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए लगे थे और वही चंद्रयान को चांद पहुंचाने के लिए सिर्फ 615 करोड़। भारत आज जश्न मना रहा है और इतनी खुशी वर्ल्ड कप के जीतने के बराबर नहीं है, बल्कि ये खुशी उससे कई ज्यादा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मिशन सिर्फ दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल करने के बाद एक चीज जो मैं गर्व से कह सकता हूँ वो ये है कि इसरो की ये सिर्फ शुरुआत है। आप चंद्रयान के इस ट्वीट को देखिए, इंडिया I have reached my destination and so do you। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा चुके हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत की कामयाबी पर टिकी। यूएसए ने भारत को कांग्रेचुलेट किया और वहीं चाइना और पाकिस्तान के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। बल देखिए, ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है इसरो के हर वो साइंटिस्ट के लिए, हर वो इंसान के लिए जिसने आज भारत को चांद पे पहुंचाया है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान का पर्पस क्या है, चांद पे जाने से हमें क्या हासिल होगा, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 ने आखिर ऐसा क्या सीखा और क्यों ये जीत सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया है। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ चंद्रयान। आप चंद्रयान के मिशंस को एक काफी सिंपल एंड आसान तरीके से समझे इसलिए मैं आपको पूरी हिस्ट्री बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रयान 1 से। 22 अक्टूबर 2008 इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 1 का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो चांद के सर्फेस पे कुछ साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है, इसलिए चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था। अब इम्पैक्ट मिशन के अंदर जो आपका स्पेसक्राफ्ट होता है वो मेनली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला है जो आपका ऑर्बिटर जो आपके चांद के आसपास रोटेट करता रहता है, दूसरा है आपका मून इम्पैक्ट प्रोब। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको जानबूझकर चांद पे क्रैश कराया जाता है। अब इस मून इम्पैक्ट प्रोब को चांद पे इसलिए क्रैश कराया गया था क्योंकि जब तक ये हिस्सा चांद पे क्रैश करता तब तक साइंटिस्ट ने बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च एंड काफी डिफिकल्ट रीडिंग्स भी ली थी। अब इस पूरे मिशन में सिर्फ मून इम्पैक्ट प्रोब का इम्पोर्टेंट रोल नहीं था बल्कि जो ऑर्बिटर जो चांद की चारों तरफ घूम रहा था उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ऑर्बिटर के अंदर लगा था M3 जो कि नासा का एक इंस्ट्रूमेंट है। M3 यानी कि मून मिनरोलॉजी मैपर। अब इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्रैश के टाइम पे ये पता लग पाया था कि भाई क्रैश के दौरान जो मिट्टी स्पेस में उड़ी थी उस मिट्टी के अंदर भी पानी के ट्रेसेस हमें देखने को मिले थे। चंद्रयान 1 से एक चीज जो बिल्कुल श्योर हो चुकी थी वो ये थी कि भाई मून के अंदर यानी कि चांद के अंदर भी पानी बसता है। इतना सक्सेसफुल मिशन करने के बाद इसरो एक चीज तो कंफर्म कर चुका था कि भारत को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल इंपैक्ट मिशन के बाद अब बारी थी एक लैंडर मिशन की, और लैंडर मिशन को पूरा करने के लिए 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। अब लैंडर मिशन के अंदर जितने भी आपके स्पेसक्राफ्ट के हिस्से होते हैं उनको चांद पे क्रैश करने के लिए नहीं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाता है। जब भी बात की जाती है चंद्रयान 2 की तो बहुत लोग ये कहते हैं कि चंद्रयान 2 इसरो का एक फेल्ड मिशन था, बट मैं कहता हूं कि चंद्रयान 2 इसरो की पार्शियल सक्सेस थी। ऐसा इसलिए चंद्रयान 2 के स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 पेलोड्स अटैच किए हुए थे। पहला था आपका ऑर्बिटर जो चांद के आसपास घूमेगा, दूसरा था आपका लैंडर जो चांद पे सेफ लैंडिंग करेगा, और तीसरा था आपका रोवर जो लैंडर से बाहर निकलने के बाद चांद के सर्फेस को एग्जामिन करेगा। अब हुआ ये था कि ऑर्बिटर ने अपना काम बिल्कुल सही किया था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि लैंडर एंड रोवर दोनों ही चांद पे जाके क्रैश हो जाते हैं। अब इसी वजह से चंद्रयान 3 के अंदर इस बार ऑर्बिटर को भेजा ही नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एज आई मेंशन वो अभी तक सही काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में इस बार सिर्फ और सिर्फ लैंडर एंड रोवर को भेजा जाता है। एंड एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि लैंडर एंड रोवर बिल्कुल चांद पे सही लैंड कर चुके हैं। इसरो की यही तो खासियत है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, कमबैक करता है और मुंह तोड़ जवाब देता है। अब चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 ने और क्या क्या सीखा, आइए जानते हैं इसके बारे में। चैप्टर 2, लेसंस फ्रॉम चंद्रयान 2। देखिए, चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब ये जो बात है ना, ये वैलिड होगी दूसरे देशों पे, हमारे भारत पे नहीं। सुफ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि भाई यूएसए एंड रशिया दोनों बड़ी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद, इतना ज्यादा स्पेस में एक्सपीरियंस लेने के बावजूद, हमसे डबल ट्रिपल बजट होने के बावजूद भी 15 फेल्ड अटेम्प्ट लेते हैं चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा इसरो,
जिसके पास इतना कम स्पेस एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा कम बजट है, लेकिन फिर भी सिर्फ दूसरे अटेम्प्ट में इसरो ने भारत को आज चांद पर ला के रख दिया। इसरो ने ये इम्पॉसिबल चीज कैसे करके दिखाई और कैसे अपने फेलियर से एक बहुत ही शानदार लेसन लिया, आइए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले जिस गलती को सुधारा गया है वो है आपका लैंडिंग एरिया। जी हाँ, चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग एरिया डिसाइड किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 500x500 meters का था, लेकिन चंद्रयान 3 में इस बार जो लैंडिंग एरिया है वो 4 km x 2.4 km का है। मतलब जो लैंडिंग एरिया है भाई वो 40 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। दूसरी गलती जिस पे इसरो ने इस बार ध्यान दिया है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो भाई इसरो कहता है कि जो लैंडर के लास्ट के 15 सेकंड्स होते हैं वो इसरो के लिए 15 सेकंड्स ऑफ टेरर के बराबर है। ये चंद्रयान 2 के अंदर लास्ट 15 सेकंड्स में विक्रम लैंडर ने अपना कनेक्शन खो दिया था और वो जाके सीधा मून पे क्रैश किया था, और क्रैश होने का रीजन बताया जाता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच। अब चंद्रयान 3 के अंदर इस बार कोई स्कोप ऑफ एरर छोड़ा ही नहीं गया, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स इस बार चंद्रयान 3 में इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं और काफी स्ट्रॉन्ग भी हैं। इनफैक्ट जितने भी इंजन्स चंद्रयान 3 में यूज किए गए हैं वो तो बहुत ही पावरफुल है। इसी वजह से अगर चंद्रयान 3 चाहे तो भाई कितना भी लोड चाहे इंजन पे डालना हो चाहे सॉफ्टवेयर पे डालना हो वो काफी आसानी से, वो भारी लोड डाल के काफी आसानी से वो सेफ लैंडिंग चांद पे कर सकता है। तीसरी गलती जिस पे काम किया गया है वो है ज्यादा फ्यूल। चंद्रयान 2 के मिशन में भाई लैंडिंग जल्दी होनी थी, इसी वजह से जो फ्यूल है वो उस हिसाब से भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में इसरो कोई भी स्कोप ऑफ एरर नहीं छोड़ना चाहता था। इसरो जानता था ये बात कि भाई विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग है वो 1 महीने से पोस्टपोन भी हो सकती है, इसी वजह से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्यूल डाल के भेजा गया ताकि लैंडिंग इसरो अपने हिसाब से करवा पाए, अब चाहे उसी समय या फिर 1 महीने बाद। चौथी गलती थी डिपेंडेंसी ऑन फोटोज। भाई चंद्रयान 2 के मिशन में विक्रम लैंडर को बहुत सारा काम करना था। पहले तो वो चांद के ऑर्बिट में आता, उसके बाद वो पूरे चांद की स्पेस को अच्छे से देखता, और फिर अपने लिए एक सही जगह लैंडिंग की बनाता, और वो ये कैसे करता भाई फोटोज खींच खींच के। लेकिन जब तक वो फोटोज खींचता तब तक विक्रम लैंडर स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से कंफ्यूजन के कारण विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का चांद के आसपास घूम रहा है उसने ऑलरेडी काफी हाई रेजोल्यूशन में हमें चांद की फोटोज दे दी हैं। अब इन्हीं फोटोज को हमने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में फीड करा दिया है, तो इस बार अगर विक्रम लैंडर लैंड करता है तो उसको चांद पे अपने लिए जगह ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और विक्रम लैंडर काफी आसानी से अपनी जगह पे लैंड कर जाएगा, जो कि हुआ भी है। पांचवी गलती थी पावरफुल लेग्स। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की उतनी स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं थी, इसी वजह से वो अच्छा खासा शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर पाया और विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में इस बार जो पूरे विक्रम लैंडर की लेग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अच्छा खासा शॉक अब्सॉर्ब कर सकती है, और इसी वजह से क्रैश के चांसेस बहुत ही कम। चैप्टर 3, रोल ऑफ चंद्रयान 3। एक बड़ा सवाल जो आज भी कई लोगों के मन में है वो ये है कि भाई चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल तो हो गया है, भारत चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन अब चांद पे जाके हमें क्या हासिल होगा, और ये जो विक्रम लैंडर है ये चांद पे अब क्या करने वाला है। देखिए चंद्रयान 3 के स्पेशल में ऐसी 7 गजब की चीजें हैं जो सच में बहुत ही काबिले तारीफ है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो भाई सबसे पहला है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। एज आई मेंशन चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, सिर्फ लैंडर एंड रोवर जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम धरती से सीधा चांद तक लैंडर एंड रोवर को अकेले नहीं भेज सकते, कोई तो ऐसी चीज चाहिए होगी जो कि उनको वहां तक छोड़ के आ सके। ऑर्बिटर नहीं है तो क्या हुआ, इस पर ऐड किया गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली लैंडर एंड रोवर को चांद के पास लेके जाएगा और वहां पे उन्हें छोड़ने का काम करेगा। दूसरी कमाल की चीज ये है कि जब प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर आएगा तो भाई चांद की मिट्टी का वो केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करेगा। तीसरी कमाल की चीज ये है कि यही प्रज्ञान रोवर सिर्फ मिट्टी का नहीं बल्कि चांद में पड़े पत्थरों का भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करने वाला है, और अगर इसके बीच में इस दौरान हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर मिनरल्स मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। सो गाइस फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि प्रज्ञान रोवर के पास ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही कम समय का टाइम है। बेसिकली जो प्रज्ञान रोवर है उसके पास एक लूनर डे का टाइम है। अभी जो एक लूनर डे होता है ये अर्थ के 29 डेज होते हैं, और इन्हीं 29 डेज में से 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात होती है। लेकिन जब चांद पे रात होती है तो जो टेम्परेचर है वो -230 degrees के आसपास या फिर उससे भी प्लस चला जाता है, और इतनी ठंड में कोई मिशन को सक्सेसफुल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए
जब तक चांद पे धूप रहेगी, यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे रोवर को ये सारा मिशन कंप्लीट करना ही होगा। चौथी कमाल की चीज ये है कि सिर्फ प्रज्ञान रोवर नहीं, हमारा विक्रम लैंडर भी बहुत सारे काम करने वाला है। जी हाँ, विक्रम लैंडर अपने लेजर बीम के थ्रू चांद के पत्थरों को पिघलाएगा और उनसे निकल रही गैस को एग्जामिन भी करेगा। पांचवी कमाल की चीज ये है कि विक्रम लैंडर मून के साउथ साइड पे लैंड किया है। अब यही विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल की प्रॉपर्टीज और उसकी टेम्परेचर को अच्छे से चेक करेगा और सारा डेटा हमें भेजेगा। छठी कमाल की चीज ये है कि यही विक्रम लैंडर मून पे जितने भी वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि जैसे हमारे अर्थ पे अर्थक्विक्स होते हैं, वैसे ही ये मून क्विक्स को मॉनिटर भी करेगा, ताकि एक हमें मून के अंदर के स्ट्रक्चर की, जितना भी उसका मेंटल है, क्रस्ट है, इन सब की एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और सातवीं कमाल की चीज ये है कि विक्रम लैंडर के अंदर लगा हुआ है LRA, जो कि नासा का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से ये जो पूरा विक्रम लैंडर है हमें मून से अर्थ तक के सिग्नल्स भेज सकता है, और इससे हमारे साइंटिस्ट को विक्रम लैंडर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा और हाँ, अर्थ से मून का एग्जैक्ट डिस्टेंस भी हमें पता लग सकता है। चैप्टर 4, Why Chandrayaan is a big win for India. पता है, कुछ दिन पहले रशिया के लूना 25 ने चंद्रयान 3 के साथ अभी रेस लगाने की सोची थी, बट अफसोस की बात यह है कि लूना 25 रशिया का ये मिशन फेल हो जाता है, क्योंकि लूना 25 मून से क्रैश कर जाता है। अब आप खुद सोचिए, इतना एक्सपीरियंस, हमसे ट्रिपल बजट, लेकिन फिर भी उनका लूना 25 क्रैश हो गया। अब आप एक्चुअली अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान हम लोगों के लिए कितनी बड़ी जीत है। देखिए, भारत आज पूरे वर्ल्ड का ऐसा चौथा देश है जिसने चांद पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ऐसा पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पे जाके लैंडिंग की है, जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी टफ है। चंद्रयान 3 मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका है, और ये मिशन हमें जिंदगी भर याद दिलाएगा दैट स्काई इज नॉट द लिमिट। ये जीत सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत हम सब की जीत है। इसरो ने आज पूरी दुनिया को वापस प्रूफ कर दिया कि भारत शानदार टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज रखता है। भारत सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक और अपने कल्चरल रीजन की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि अब वो अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी फेमस है। हमारा इसरो बाकी के देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, उनकी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में हेल्प करता है, क्योंकि जो इसरो है भाई नासा के कंपैरिजन में बाकी देशों को बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अफोर्डेबल पड़ता है। क्वालिटी वर्क बिल्कुल सेम होता है, और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई चंद्रयान के सक्सेसफुल हो जाने के बाद बाकी देशों का ये जो भरोसा है इसरो पे, ये और कितना मजबूत होने वाला है। सोच के देखिए, अगर प्रज्ञान रोवर को चांद पे पानी मिल जाता है, तो आप समझ रहे हैं, मतलब हम चांद को धरती का स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, जहां पे हम अपने एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट सभी के सभी मून पे भेज सकते हैं, और वहां से और दूसरे प्लैनेट्स का सफर तय कर सकते हैं। वेल, इसरो के लिए अच्छी चीज ये है कि इसरो का बजट हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक काफी खराब चीज ये है कि ये जो बजट है इसरो का, ये हमारे पूरे देश की GDP का सिर्फ 0.9% है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर हमने इसरो को अच्छा खासा बजट स्पेंड करने के लिए दिया, तो इसरो हमारे देश को कहां ले जा सकता है। ऑल्सो, इसरो के आने वाले मिशन, चाहे वो गगनयान हो या मंगलयान, ये बहुत ही टफ, बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि इसरो पे पूरे भारत को आंख बंद करके भरोसा है। अब चाहे इसरो जीते या हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसरो हम सबके दिल में था, है और हमेशा रहेगा। जय हिंद। Well, thank you so much for watching this video till the end, guys. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई अगर अच्छी लग रही है तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, मैं साहिल मिलता रहूंगा आपसे नई नई वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।